हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, मैं आज आपको एक बहुत खास टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, यानी कि पेनिस पंप के बारे में। दोस्तों लोगों का ये सवाल होता है, क्या पेनिस पंप से भी लिंग लंबा हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, और इसके बारे में कुछ खास टॉपिक यानी कुछ खास पॉइंट आपको इसके बारे में बताऊंगा, यानी कि पेनिस पंप से क्या लिंग लंबा हो सकता है। दोस्तों देखिए, कुछ लोगों का मानना ये है कि पेनिस पंप से हमारा लिंग की लंबाई यानी बढ़ ही नहीं सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन लोगों ने पेनिस पंप को और ऑयल को इस्तेमाल करके अपने लिंग को यानी 2 इंच है तो 3 इंच और 4 इंच तक भी इंक्रीज किया है, यानी कि जिनका 4 है उनका 6 इंच तक भी पेनिस का साइज इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों बाद लोगों को इसका साइड इफेक्ट भी हुआ है। इसकी वजह क्या है? देखिए, आप कोई भी, मैं ये नहीं कहता आप हर्बल मेडिसिन भी लें, अगर आप उसकी डोज को गलत तरीके से लेंगे तो वो भी साइड इफेक्ट कर देंगे, यानी उसका भी नुकसान आपको ज़रूर आपके सामने आएगा। ऐसे ही दोस्तों पेनिस पंप को बाद लोगों ने हमें कॉल करके कहा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये इस वजह से हुई है कि मैंने उसको ज़्यादा खींच दिया था, यानी कि लोग लालच, एक लालच दो दोस्तों बहुत पुरानी कहावत एक चली आ रही है कि लालच बुरी बला है। लोग लालच करते हैं कि एक दिन में उसको लंबा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक चीज़ धीरे धीरे काम करती है। जब आप रोजाना देखिए एक्सरसाइज, आदमी जिम में एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करने के दौरान जब वो यानी एक्सरसाइज करता है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है, यानी कि बॉडी का साइज इंक्रीज होना शुरू होता है। ऐसे दोस्तों हमारे लिंग का साइज भी धीरे धीरे रोजाना आप जैसे करते रहेंगे उसको हैंड प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी कि पंप को इस्तेमाल करते रहेंगे, मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है, तो उससे आपका लिंग का साइज दोस्तों धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और दोस्तों अगर आप इसकी लिमिट से ज़्यादा खींचते हैं तो नसों पे दोस्तों वर्म आना शुरू हो जाता है, यानी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि नसें ब्लॉक होने का भी खतरा होता है। इसलिए इसको बहुत इजी और बहुत यानी हल्के हाथ से आपको इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे इसको रोज आना, आपको सुबह शाम 2-3 मिनट तक आपको इसको खींचना है पंप के जरिए से, जिससे कि दोस्तों आपका लिंग का साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में दोस्तों ऑयल का भी होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक पेनिस पंप है जो आप देख रहे हैं, बहुत खास पेनिस पंप है, ये लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन इसको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। और इसके अंदर देखिए जो ऑयल होता है दोस्तों, ये हमारी कंपनी का HX 1000 के नाम से ऑयल होता है, जो कि बहुत खास होता है। देखिए बिना ऑयल के यानी कि जो पेनिस पंप है उसको इस्तेमाल करना ऐसा ही है दोस्तों जिसे बिना डाइट के एक्सरसाइज करना, यानी बिना डाइट लेने की ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज करते रहे तो भी साइज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऑयल के मसाज से आपके लिंग की जो नसें हैं और मसल्स हैं वो खुलती हैं, यानी कि लिंग का साइज जितना मोटा होता है उतनी ज़्यादा लंबाई जो है उसकी बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर कोई मास नहीं होता है कि वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, बल्कि नसें खुलती हैं, मसल्स खुलती हैं, लिंग का साइज मोटा होता है, तो फिर दोस्तों जब पंप से इसको खींचा जाता है तो लिंग बड़ा बड़ा सा नज़र आने शुरू हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये पेनिस पंप है, इसको हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले देखिए, ये सिलेंडर है और ये इसका यानी कि कनेक्टर होता है दोस्तों, इसको हम सिलेंडर से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऐसे इसमें कनेक्ट कर लेना है, और ये इसका पुशअप होता है, यानी कि इसको इससे आपको जो एयर है उसको पुशअप करना है, यानी कि लिंग को अंदर की तरफ इसके ज़रिए खींचा जाएगा। देखिए रबड़ होती है, इसकी रबड़ है, 3 साइज हैं, तीनों साइज इसके अलग अलग होते हैं, जिसका जैसा साइज हो उसके अकॉर्डिंग इसको आपको इस्तेमाल करना है। देखिए इसको सिलेंडर के ऊपर, इस रबड़ को हम आसानी से ईजिली इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। देखिए रबड़ इसके ऊपर चढ़ गई है। अब सपोज कीजिए ये आपका पेनिस है, ठीक है, इस पर हम 4-5 मिनट तक इसके ऊपर तकरीबन पहले मसाज करें, हम इसको 2-3 मिनट तकरीबन कर लें, 5-6 ड्रॉप लेकर के मसाज करने के बाद, इसकी जो मसल्स हैं और जो नसें हैं जो वेंस हैं वो खुल जाती हैं। अब खुलने के बाद दोस्तों हम इसको इसके रबर के अंदर एंटर कर, देखिए आप देख रहे हैं मैंने इसको रबर के अंदर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद अब हम इसको इससे पुशअप करते हैं, यानी कि इसको अंदर की तरफ खींचते। देखिए धीरे धीरे आप इसको सिर्फ जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसको इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, कभी लाइफ में साइड इफेक्ट नहीं होगा और लिंग का साइज बढ़ जाएगा।
तो इसको धीरे धीरे से आप पुशअप करते रहें, और जब आपको लगे कि ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो फिर इसकी एयर को, ये जो एयर बटन दिया गया है इसको आप थोड़ा सा दबाएं और आपकी एयर बाहर निकल जाएगी, जिससे कि आपका लिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर दोबारा से आप इसको खींचना शुरू करें। ऐसे दोस्तों एयर छोड़ते रहें और पुशअप करते रहें, इस तरह धीरे 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 रोजाना जब आप खींचेंगे, आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद आपके लिंग का साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि लंबा आपका लिंग लंबा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत खास प्रोडक्ट है, ये आप हमसे परचेज कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से भी आप बात करके इसको ले सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.herbal-x.com से भी आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।